आदरणीय सभापति जी, हमारी पार्टी एसयूएसए कम्युनिस्ट के प्रिय महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष, मंच पर आसीन एसयूसीआई कम्युनिस्ट के पोलिट ब्यूरो मेंबर, केंद्रीय कमेटी सदस्य और हमारे पड़ोसी देशों से, बांग्लादेश से, नेपाल से आए हमारे भाईचारा डेलीगेट्स, प्रतिनिधि और साथियों, आज 5 अगस्त है। हम मेहनतकशों की, शोषितों की जीवन में हमारे भारत देश और विश्व क्रांति के मामले में भी ये एक महान ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन आज से 100 साल पहले कॉमरेड सिद्धार्थ घोष का जन्म हुआ था। उनकी जन्म शताब्दी को पिछले 5 अगस्त से लेकर आज तक देश के कोने कोने में हम मनाते मनाते यहां आज समापन समारोह में शामिल हुए हैं। आप सभी महान कॉमरेड सिद्धार्थ घोष एक अग्रणी मार्क्सवादी चिंतनकार, सर्वहारा के प्यारे नेता, एसयूसीआई कम्युनिस्ट के संस्थापक महासचिव और भारत देश को मुक्ति की राह, पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति का रास्ता दिखाने वाले कॉमरेड सिद्धार्थ घोष का सिखों को लेकर उनके महान जीवन संघर्षों से प्रेरित होकर, उनके क्रांतिकारी चिंतन से प्रेरित होकर आप सब यहां इस मैदान में जुटे। महान कॉमरेड सिद्धार्थ घोष आजादी आंदोलन की एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत देश की आजादी के लिए दांव पे लगा दिया। वो चाहते थे भारत आजाद हो, तमाम शोषण, अन्याय, भेदभाव से मुक्ति हो और एक नया समाज जिसमें पूंजीवाद के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, फांसीवाद के लिए कोई जगह नहीं हो, समाजवाद के रास्ते नया भारत बने। लेकिन उस वक्त इस देश के पूंजीपतियों के षड्यंत्र के चलते देश की आजादी के लिए जितनी कुर्बानियां दी उसका फल पूंजीपतियों ने हड़प लिया, सत्ता पर वो काबिज हुए और जो शोषण से मुक्ति का जनता की चाह थी, हमारे शहीदों और क्रांतिकारियों का सपना था, वो अधूरा रह गया। जनता में जो तरह तरह का, जो जात पात, इलाका, धर्म, भाषा, बोली, ये जो भेद थे जिनको आजादी की लड़ाई के माध्यम से मिटा देना चाहिए था, वो रह गए। ये महान सिद्धार्थ घोष थे जिन्होंने फिर से एक नए संघर्ष के झंडे को, एक नए संघर्ष का बीड़ा उन्होंने उठाया और
इस देश में शोषण और अन्याय से मुक्ति के लिए एक सही क्रांतिकारी नेतृत्व, एक सही क्रांतिकारी पार्टी का गठन ही नहीं किया अपने हाथों से, पाला पोसा, हजारों हजारों क्रांतिकारियों को तैयार किया जो आज देश के कोने कोने में जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनके जीवन में जो दुख तकलीफ हैं, उनके निराकरण के लिए जो पूंजीवादी शोषण है उस शोषण से मुक्ति के लिए वो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। कॉमरेड शिवदास घोष ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद और देश देश में जो आजादी प्राप्त हुई उसके मद्देनजर जो पूंजीवादी साम्राज्यवाद का जो रूप है उसको सही ढंग से उसका विश्लेषण करते हुए दिखाया कि कोई देश, पूंजीवादी देश अगड़ा हो पिछड़ा हो, लेकिन पूंजीवाद ने हर जगह एक फासीवादी रूप ले लिया। इसके खिलाफ संघर्षों को, जरूरत को दिखाते हुए उन्होंने सिर्फ अपना देश में ही, भारत में ही नहीं, दुनिया भर में विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत किया। विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन के सामने जो भी झमेले आए, विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन के सामने जो भी भटकाव आए, जो भी भूल भलाई आई, कॉमरेड शिवदास घोष ने बहुत काबिलियत से, क्षमता के साथ उसको एक सही राह दिखाने की कोशिश की। और ये वो सब कर पाए कि उन्होंने मार्क्सवाद को, जो दुनिया का सबसे उन्नत वैज्ञानिक चिंतन है, मार्क्सवाद लेनिनवाद को अपनाया और इसको अपना जीवन दर्शन, गाइड टू एक्शन, तमाम कामों के मार्गदर्शन के रूप में उन्होंने मार्क्सवाद को लिया और इसी कड़ी में संघर्षों के रास्ते से मार्क्सवाद को और भी उन्नत और भी समृद्ध किया। पांच अगस्त 1976 के दिन ही उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही भारत की दिल्ली राजधानी में जब शरद चंद्र की जन्म शताब्दी को लेकर आयोजन हो रहे थे, इस देश के हिंदी के एक एक प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु प्रभाकर ने कॉमरेड शिवदास घोष को कोट करते हुए, कॉमरेड शिवदास घोष के कथन को ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर कोट करते हुए, पढ़ते हुए और कहा कि मैं रोमांचित हूं, अभिभूत हूं कि एक मार्क्सवादी चिंतनकार भी इस तरह से बारीकी से साहित्य के ऊपर अपनी पकड़ रखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में भी वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। और कहा मैंने उसके बाद फिर से शरद चंद्र को पढ़ना शुरू किया। एक हिंदी के बड़े लेखक ने पूछा गया था कि आजादी के बाद भारत में आप किन महान हस्तियों का नाम लेंगे, उन्होंने जिक्र करते हुए तीन नाम लिए, उसमें कॉमरेड शिवदास घोष का नाम बड़े आदर के साथ उन्होंने लिया। साथियों, ऐसी एक महान हस्ती, एक महान क्रांतिकारी, उनके विचारों को, उनके जीवन संघर्षों को इस भारत के पूंजीवादी शासन ने छिपा कर रखा है, एक साजिश के तहत जनता के सामने आने नहीं दिया। आज की ये रैली उस साजिश का भंडाफोड़ करती है, पर्दाफाश करती है और साथ ही संकल्प लेती है कि महान कॉमरेड शिवदास घोष के जीवन संघर्षों को, उनके चिंतन को देश के कोने कोने में, दुनिया में हम पहुंचाएंगे। साथियों, जब ये हम सभा कर रहे हैं, इस वक्त देश के हालात क्या हैं ये आपसे छिपे हुए नहीं। कॉमरेड शिवदास घोष ने आजादी के बाद ही पूंजीवाद हाथों में सत्ता आने पर ही इसका आभास कर लिया था। उन्होंने कहा था
कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे पूंजीवादी शोषण भयंकर तबाही पैदा करेगा देश में। आज 1947 से लेकर आज तक भारत के केंद्र में हो, प्रांतों में हो, जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने पूंजीपतियों की ताबेदारी की। जब अंग्रेज भारत में आया तब अंग्रेज ने एक नई तरह से फौज को खड़ा किया, यहां प्रशासन को खड़ा किया था, पुलिस को खड़ा किया था, अदालतों को खड़ा किया था। आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को आजादी जो प्राप्त हुई उसके साथ ही भारत की उराशत्ता जो अंग्रेज के हाथों की बनाई मशीनरी थी उसी मशीनरी के ऊपर भारतीय पूंजीपतियों का जो है सत्ता वो मशीन उनके हाथ में आई और आज ये पूंजीपति देश के कर्ता धर्ता बने बैठे। आज देश का मतलब पूंजीपति, आज राष्ट्र का मतलब, आज विकास का मतलब पूंजीपति, पूंजीपतियों की तिजोरी भरना, यह हमें मंजूर नहीं। देश का मतलब देश की जनता है, मेहनत कश है, जो इस देश की तमाम धन दौलत संपत्ति सभ्यता का निर्माण करते हैं। लेकिन जब ये पूंजीपति जब सत्ता में आया था तब ये बड़ा नहीं था, लेकिन आज चूस चूस के ये बड़ा हो गया। आज दुनिया के टॉप 10 में भारत का पूंजीपति है। आज एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में ये एक कमल सिद्धार्थ घोष ने दिखाया था कि ये भारत में सिर्फ पूंजीवाद नहीं है, पूंजीवाद साम्राज्यवादी चरित्र ले चुका है। जिस तरह से दूसरे साम्राज्यवादी मुल्क, उसी तरह से भारत भी चाहे छोटा ही हो, उनका जूनियर हो, आज अपने अड़ोस पड़ोस में और दुनिया की बड़ी पूंजीवादी साम्राज्यवादी ताकतों के साथ मिलकर चल रहा है। आज ये कोई बच्चा भी बता सकता है, लेकिन इस देश के जो अपने आप को वामपंथी कहते हैं वो आज भी उनकी आंखें बंद हैं, वो देख नहीं सकते। शत्रु इस तरफ है, वो इस तरफ तीर चला रहे हैं, वो धूल में लाठी बांध रहे हैं। आज भारत की जनता का जो शत्रु है, भारत की जनता के तमाम दुख तकलीफ शोषण अन्याय भेदभाव के लिए जो जिम्मेदार है वो पूंजीवादी शासन, वो शोषण। आज ये पूंजीवाद जनता को रोजगार नहीं दे सकता, ये शिक्षा नहीं दे सकता, इलाज नहीं दे सकता, मान सम्मान की तो बात ही छोड़िए, कोई न्याय नहीं दे सकता, अमन चैन भी नहीं दे सकता। इसीलिए ये पूंजीवाद जो है इसकी किसी भी सरकार जब भी आई है ये जनता के लिए आफती तबाही मचाई है। आज पूंजीवाद का सबसे बड़ा जो हमला है वो हमारे मुल्क में नीति नैतिकता के ऊपर है, वो सभ्यता के ऊपर है। आज छात्रों में, युवाओं में, नौजवानों में वो जो एक ऐसा पतित एक ऐसा भर देना चाहता है कि वो मनुष्य नहीं रहे, वो इंसान ही नहीं रहे। आज वो ज्ञान विज्ञान को, इतिहास को विकृत कर रहा है। आज वो नीति नैतिकता के साथ साथ ही समाप्ति के साथ साथ ही जात पात सांप्रदायिकता इलाका परस्ती अंधविश्वास तरह तरह को फैला रहा है। आज वो सांप्रदायिक उन्माद पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहा है। आज मणिपुर जल रहा है, जल नहीं रहा है, जलाया जा रहा है, आप सभी जानते हैं। अभी अभी हरियाणा में कन्नू जिला में भाजपा RSS की छतरी के नीचे वही सांप्रदायिक उन्माद की आग लगाने की कोशिश की गई। तो ये भाजपा के नेतृत्व में इस भाजपा ने कांग्रेस का जो लंबा शासन था जिसमें शोषण अन्याय सब कुछ हुआ उसी को आज भुला दिया। आज ये जब भाजपा बनी थी तो ये छोटे छोटे दुकानदारों की बात करती थी, लेकिन आज ये देश के बड़े पूंजीपतियों की सरगना, पूंजीपतियों की ताबेदार है। और लोग सोचते हैं कि 2024 आएगा हम इसको उखाड़ फेंकेंगे, 5 राज्यों में चुनाव है हम इसको उखाड़ फेंकेंगे, यही पूंजीवादी जो है जो राजनीतिक पार्टियां हैं और पूंजीवादी जो मीडिया है उसके द्वारा कहा जाता है। लेकिन जरूर हम किसी भी भाजपा हो कोई भी हो जो जनता के ऊपर पूंजीवादी शोषण शासन चलाती है, जनता के जीवन को जो तमाम तरह की समस्याओं से जिसने भर दिया है, आज इस समाज को
समाज को और भी गड्ढे में ले जा रही है, सभ्यता को नष्ट कर रही है। हम ऐसी किसी भी सरकार को गद्दी में रहना हमें मंजूर नहीं, जरूर हटाएंगे। लेकिन एक बात के ऊपर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, जो कॉमरेड सिद्धार्थ घोष ने बार बार हम लोगों को बताई, और वो है सरकार एक पर एक आई, लेकिन हर सरकार के आने के बाद पूंजीपति और मोटे हो गए, गरीबों को और खून चूसा गया। तो सवाल है, ये चुनाव जो, इन चुनावों के ऊपर भी किसका नियंत्रण है? ये चुनाव जब आते हैं तो चुनाव में हवा कौन बनाते हैं? चुनाव में जनता का दिल दिमाग खास तरह से कैसे बांधा जाता है? बेशक वोट जनता की है, लेकिन जनता को किस तरह से चुनाव में जब हो लेता है, जनता ठगी जाती है। संसद है, विधानसभाएं हैं, लेकिन संसद विधानसभाओं में गरीबों की बात नहीं होती है, शिक्षा की बात नहीं होती है, यहां इलाज की बात नहीं होती है, शहरी गरीबों की बात नहीं होती है, हे बहन बेटियों की मान सम्मान की कोई बात नहीं होती है। ये लेनिन ने, महान लेनिन ने बताया था कि ये संसद है, ये पूंजीपतियों का सबसे सुरक्षित कवच है। तो सवाल है कि आज ये जो संसदीय राजनीति है, ये जो वोट बैंक की राजनीति है, ये पूरी तरह से गल सड़ गई है। इससे दिनों दिन जनता की तकलीफें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। महान कॉमरेड सिद्धार्थ घोष ने कहा था कि हजारों बार चुनाव हो लेकिन जनता की समस्याओं का अंत नहीं होगा, बढ़ेंगे। इसका एकमात्र समाधान है आंदोलन, जन आंदोलन और जोरदार आंदोलन। लेकिन ये आंदोलन कौन करेगा? सही मायनों में आंदोलन के लिए एक आंदोलनकारी सही ताकत चाहिए, और इसीलिए उन्होंने एसोसिएशन कम्युनिस्ट का निर्माण किया था, एसोसिएशन कम्युनिस्ट का निर्माण किया था। तो ये जो है, उन्होंने अपने हाथों से छात्र नौजवानों का, मजदूर किसानों का, महिलाओं के संगठन, उनके आंदोलनों को मार्गदर्शन किया था। उन्होंने दिखाया था कि देश में जहां राजनीतिक चेतना अपेक्षाकृत और कमजोर हो, जहां जनता के जीवन पर हमले हो रहे हो, वहां जनता की जनसंघर्ष कमेटियां खड़ी करके और उस अन्याय के खिलाफ जोरदार प्रतिवाद खड़े हो, और उनकी सीखों के आधार पर ही यही पश्चिमी बंगाल में, नंदीग्राम में, सिंगूर में महान लड़ाई चल के वो अन्याय को प्रतिवाद किया और जीत जनता ने हासिल की। हरियाणा में अंबानी का SEZ जो 25,000 एकड़ में बनने की बात थी, वहां भी संघर्ष कमेटी बना के कॉमरेड सिद्धार्थ घोष की सीखों के आधार पर ही उसको वापिस कराया गया था। आज देश के कोने कोने में महान सिद्धार्थ घोष के विचारों से, उनके जीवन संघर्षों से, उनकी बताई सीखों से ओतप्रोत होकर इस तरह के कितने ही संघर्ष लड़े गए हैं और लड़े जा रहे हैं। इन संघर्षों को और सशक्त बनाना, इनको सही पूंजीवाद विरोधी दिशा देनी है। ये कौन करेगा? एक सही क्रांतिकारी पार्टी SOCI कम्युनिस्ट के अलावा कोई कर नहीं सकती। हमको एक बात आखिर याद दिला के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा, वो है कि भारत छोड़ो आंदोलन एक इतना महान आंदोलन था, जनुबार था, अंग्रेज को भागना पड़ा था। आजादी जरूर मिली लेकिन शोषण का खात्मा नहीं। तो इसी तरह से क्योंकि उसके भीतर एक सही नेतृत्व जो होना चाहिए था, भगत सिंह को कुचल दिया गया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व से बाहर कर दिया गया था। तो सही क्रांतिकारी पार्टी के आंदोलनों के बीच में ताकतवर होना जरूरी है। मैं याद करूंगा 1974-75 जो बिहार से, गुजरात से नौजवानों का, छात्रों का आंदोलन उठा था, इस तरह के कितने ही मौके आए थे हिंदुस्तान में कि क्रांति के रास्ते आगे बढ़ाया जा सकता था, उसको और नजदीक लाया जा सकता था। लेकिन यहां की वामपंथी पार्टियों के चलते गलत रास्ते चलते और जन आंदोलन से विश्वासघात करते हुए जो स्थिति पैदा हुई, तो ये स्थिति बार बार मांग करती है कि आंदोलनों के बीच में आज और भी बड़े सशक्त आंदोलनों की जरूरत है। इसके लिए SOCI कम्युनिस्ट को देश के कोने कोने में, देश के हर क्षेत्र में एक ज्यादा और ताकतवर और संघर्षशील और काबिल बनने की जरूरत है। ये कॉमरेड सिद्धार्थ घोष ने बताया था, एक सही क्रांतिकारी पार्टी
बनाने के लिए वैचारिक पक्ष को किस तरह से मजबूत करना होगा, कैसे सांगठनिक पक्ष को मजबूत करना होगा और वैचारिक पक्ष को सांगठनिक पक्ष को मिलाते हुए एक नया नेतृत्व, एक नया रास्ता, एक नया चिंतन, एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति। उन्होंने कहा कि जो इस रास्ते आगे आएंगे वो अपने को बदलेंगे जीवन के हर क्षेत्र में। एक गड़ा सड़ा पूंजीवादी समाज है, हम भी उसी रास्ते उसी से आते हैं, तो अपने साथ जो कुसंस्कारों से जो लिप्त हैं उनके खिलाफ जो क्रांति के रास्ते आएंगे उनको अपने जीवन में सबसे पहले बदलाव लाना पड़ेगा। दुनिया में बदलाव लाने के लिए महान मार्क्स की सीख को कमर सिद्धास घोष ने जीवन भर बार 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 हमको ध्यान दिलाया है और उन्होंने अपने जीवन में लागू किया था। आज कमर सिद्धास घोष के जीवन संघर्ष उनके महान विचारधारा ही है जो हमको रास्ता दिखा सकती है। हमें खुद को बदलना होगा और हमको याद रखना होगा कि जिस तरह से कमर सिद्धास घोष ने मार्क्सवाद को अपनाया, उन्होंने इस चिंतन को, इस विज्ञान को और समृद्ध किया। आज मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, स्टालिन, माओत्सेतुंग, दुनिया में जितने महान क्रांतिकारी गुरु हुए हैं, शिक्षक हुए हैं, कमर सिद्धास घोष का विचारधारा उनका प्रतिनिधि विचारधारा है। वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, वो शहीद क्रांतिकारियों का झंडा लेके आगे बढ़े थे, वो नव जागरण की महान हस्तियों के जो बचा खुचा काम था उसको लेकर बढ़े थे। तो आज इस रैली पर हमको फिर संकल्प लेना होगा कि आइए हम आगे बढ़ें। कमर सिद्धास घोष ने कहा था कि भविष्य जनता का है, इसके लिए हमको आगे बढ़ना होगा और उनके विचारों को सामने रख के आज हमारा जो दायित्व है, आज जन शताब्दी के मौके पर हम उसको फिर से संकल्पित होकर हमको लौटना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, एससीसीआई कम्युनिस्ट जिंदाबाद, महान कमर सिद्धास घोष, लाल सलाम।